हेलो एवरीवन, आई एम सूरज झा। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर में काफ़ी टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं उस पर हम स्टडी करेंगे आज। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। तो दोस्तों, दो टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो दो सॉल्यूशन मैंने यहां पे कैटेगराइज किया है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो हम सभी ने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ। तो जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को अच्छे से ओबे करते हैं उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर टर्म्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और सिंपल सी बात है, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते थे या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहां पे दो कैटेगरी है नॉन आइडियल की, एक है जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, एक है जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ओके, तो नॉन आइडियल में दो कैटेगरी है, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और एक कैटेगरी है शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, तो यहां पे मैंने दोनों सॉल्यूशन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहां पे क्लासिफाई कर दिया है, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, आइडियल सॉल्यूशन मींस व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन मींस व्हिच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। सो वी आर हैविंग टू कैटेगरीज विद इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज the one showing the positive deviation from Raoult's law and the other showing the negative deviation from the Raoult's law. Now let's note one more point here. In the case of ideal solution, they are having delta H of mixing equals to 0 and delta V mixing equals to 0. Okay, and if you talk about positive deviation, here they are having delta H mixing equals to positive, delta V mix equals to positive and delta P equals to positive. This is for positive deviation from Raoult's law. Okay, and if we talk about this solution which shows the negative deviation from Raoult's law, we are having delta H mix negative, we are having delta V mix negative, we are having delta P equals to negative. So friends, this is the case for the ideal solution and this is the case for non-ideal solution. This one is for the positive deviation, this is one is for the negative deviation from Raoult's law. Okay, so we have studied it here right now theoretically, and how do we define the ideal solution and non-ideal solution. Hum kaise bata payenge ki ideal solution kya hai, non-ideal solution mera kya hai. Theek hai, ab isme thoda aur detail mein agar hum yahan pe discussion karte hain तो हम इस कंक्लूजन पाएंगे। देखते हैं यहां पे, वी ऑल नो व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, राउल्ट्स लॉ कहता है जो वेपर प्रेशर होगा, सपोज दो लिक्विड को मिला के मेरा सॉल्यूशन बना, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो पी ए क्या हो जाता था, पीनोड ए, पी एक्वल्स टू पीनोड ए एक्स ए। इसी तरीके से पी बी हो जाता था, P not B, XB,
तो P टोटल क्या होता था, पी ए प्लस पीबी, तो P टोटल क्या हो जाएगा, P नोड A एक्स ए प्लस P नोड B एक्स बी। ओके, तो ये मेरा राउट फ्लो अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, जो PT की वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी, और जो नेगेटिव डेविएशन होगा उसके केस में क्या होगा, जो PT की वैल्यू आएगी ये कम आएगी। नाउ लेट्स लेट द वेपर प्रेशर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर लेटिंग द वेपर प्रेशर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फ्रेंड्स जस्ट थिंक अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। लिसन वन मोर, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बोला जो सॉल्यूशन मैंने बनाया दो टाइप के लिक्विड से बनाया, लिक्विड एंड लिक्विड में, यहां पर सेपरेटली बना लेता हूं। आइए आइडियल के लिए, ये नॉन आइडियल वाला कॉलम है, एक तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए, एक है नेगेटिव डेविएशन। ओके, जो आइडियल सॉल्यूशन है मैंने आपको बताया कि वेपर प्रेशर किस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो वेपर प्रेशर मेरा सेम रहेगा। तो क्या होता है दोस्तों, जो दो टाइप के लिक्विड से मैंने सॉल्यूशन बनाया ए और बी, तो इसमें क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए एंड बी बी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, जिसकी वजह से मुझे क्या मिलता है, पी टी इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, एंड पी टी इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। दोस्तों मेरा राउंड फ्लो का अकॉर्डिंग था। ओके, अगर मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन की, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड फ्लो मीन्स वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, वेपर प्रेशर ज्यादा आने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो सॉल्यूशन में जो मेरे दो लिक्विड है ए और बी, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए एंड बी बी। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तभी पेपर प्रेशर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, पी ए इज ग्रेटर देन पी नोड एक्स ए, सॉरी यहां पर जो पी टोटल जो मिलेगा वो मिलेगा ग्रेटर देन पी नोड एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। सिंपल, यहां पे नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए और बी के केस में वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी बी। ओके, तो दोस्तों यहां पे जो मुझे मिल जाएगा पी टी विल बी लेसर देन पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सो यहां पे हमने रिलेट किया है वेपर प्रेशर को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, किस तरीके से जो मेरा सॉल्यूशन में जो दोनों लिक्विड है ए और बी उसका वेपर प्रेशर कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है वो मैंने यहां पे आपको समझाया है, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, दोबारा देखेंगे उसको, रिवाइंड करके दोबारा देखने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर भी नहीं आता समझ, मैं आपकी हेल्प ऑब्वियसली करने के लिए हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ आइडियल सॉल्यूशन के लिए केस में और नॉन आइडियल के केस में। आइए उसको हम देखते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यहीं पे कर लेते हैं। पहले हम बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ओके, आइडियल सॉल्यूशन के लिए दोस्तों राउल्ट्स लॉ में कहता है जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ओके, तो क्या होगा, सपोज यहां पे एक्स ए है, मोल फ्रैक्शन जीरो है। ओके, जैसे जैसे मेरा एक्स ए बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये मेरा वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, एक्स एक्सिस में मेरा मोल फ्रैक्शन है। ओके,
वैसे वैसे मेरा क्या बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है ठीक है। x से मेरा यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1, ये मेरा वेपर प्रेशर आया, ये मेरा हो गया पी नॉट ए, y एक्सिस पे वेपर प्रेशर है ध्यान रखना ओके। अगर मैं बात करता हूँ xb की, दूसरा जो लिक्विड है मेरा xb जीरो है, हम यहां से यहां बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन यहाँ पे बढ़ेगा xb क्या हो गया यहाँ पे आके 1 हो गया, मोल फ्रैक्शन बढ़ा तो वेपर प्रेशर बढ़ा, तो मेरा ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, यहां से मेरा बढ़ रहा है P नॉट B। दोस्तों आपने देखा यहां से मैं A के लिए चला, 0 से लेकर 1 तक तो वेपर प्रेशर बढ़ा, फिर मैंने B के लिए यहां से स्टार्ट कर दिया तो मेरा B के लिए वेपर प्रेशर बढ़ा ठीक है। तो मेरा ग्राफ ये आया है सॉल्यूशन का, ये है मेरा PA इक्वल्स टू P नॉट A x है, ये PB इक्वल्स टू P नॉट B x भी, P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A x है प्लस पी नोट बी एक्स बी ओके। तो मुझे एक्सप्रेशन मिल गया किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये वाला अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, ये मेरा ग्राफ है। अगर मैं ये ग्राफ बनाना चाहता हूं इसके लिए, अगर मैं ये ग्राफ बनाना चाहता हूं पॉजिटिव डेविएशन वाले केस के लिए, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता राउट्स लॉ में, तब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, बहुत सिंपल है ग्राफ, बिल्कुल आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को इस तरीके से दिखा देंगे। ओके ये सॉरी पीए जो मेरा आएगा यहां पर आएगा PB greater than P not B XB, PT greater than P not XA plus P not B XB ओके। तो हमने इस तरीके से ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन के लिए बना लिया। अगर मुझे यही ग्राफ बनाना है नेगेटिव डेविएशन के लिए तो मैं कैसे बनाऊंगा, नेगेटिव डेविएशन के लिए बिल्कुल आसान है, एक्स है जीरो एक्स है वन एक्स बी जीरो एक्स पी वन पी नोडे नॉट बी। दोस्तों नेगेटिव डेविएशन तो क्या करेंगे, अभी जो हमने ये कर्व ऊपर की तरफ बनाया था वो कर्व हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से यहां पे जो मेरा ये होगा पी ए लेसर देन पी नॉट एक्स ए पी बी लेसर देन पी नॉट बी एक्स बी पी टी लेसर देन पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी ओके। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल था ये ग्राफ बनाना, बस मैंने आपको आइडियल का ग्राफ यहाँ पे समझाया था, जब हम पॉजिटिव का बनाएंगे तो कर्व हम ऊपर की तरफ बना देंगे, जब हम नेगेटिव का बनाएंगे तो कर्व हम नीचे की तरफ बना देंगे ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ द केसेस, आइडियल सॉल्यूशन एज वेल एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन ओके। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, फिर भी आपको नहीं आता तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके फिर भी समझाने में कोशिश करूंगा आपको ओके। अब एक टॉपिक में डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, आप लोग ये नोट कर लेंगे फिर मैं उसको आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, फटाफट नोट कर लेंगे आप लोग।
नोट करेंगे, मैं इसको ऑफ कर देता हूं यहां पे। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। अब हम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर यहां पे पढ़ेंगे। ओके, हम किसकी बात करने वाले हैं, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर की। दोस्तों एज़ोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं वो हमारे होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। That means all the components of the solution boils at a constant temperature. इसको हम बोल देते हैं constant boiling mixture. Okay? All the components of the solution बॉइल सेटिंग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, अब जब मैंने आपको बताया सभी कॉम्पोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन नॉट सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स बाय नॉर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, जब बॉइलिंग में जब हमारा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हमारा बॉइलिंग पॉइंट के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, जब बॉइलिंग पॉइंट सबका सेम है तो प्रिंसिपल मेरे यहां पे फेल हो जाएगा। तो यहां पे एक स्टेटमेंट बना सकता हूं, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हेंस दे आर सेपरेटेड बाय स्पेशल मेथड सेपरेटेड बाय स्पेशल मेथड दैट इज एज़ियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। एज़ियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, ओके। तो दोस्तों ये था मेरा एज़ियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में कुछ बातें कि एज़ियोट्रोपिक मिक्सचर होता क्या है, कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं और किस तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, अब एज़ियोट्रोपिक मिक्सचर का भी क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, एक होता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप, एक होता है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप। आइए देखते हैं क्या होता है ये, इसके लिए मुझे सेटअप करना पड़ेगा यहाँ पे पढ़ सकते हैं हम लोग इसको। एज़ियोट्रोपिक मिक्सचर की दो कैटेगरी है, एक होता है मेरा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप, यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप, एक होता है मेरा मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप। तो दोस्तों दो कैटेगरी है मेरे पास यहां पे, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप की होती है मेरी मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जाएगा सॉल्यूशन का वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट, और जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप आएगा वहां पे क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा। अब जो आपको बात ध्यान रखनी है यहां पे, आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट फॉर्म एज़ियोट्रोपिक मिक्सचर, आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट फॉर्म
एजियोट्रोपिक मिक्सचर, आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। अब नॉन आइडियल में भी हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, एक था पॉजिटिव डेविएशन वाली, एक था नेगेटिव डेविएशन वाली। अब हमें डिसाइड करना है कि पॉजिटिव डेविएशन वाला मैक्सिमम शो करेगा या मिनिमम शो करेगा, या फिर नेगेटिव डेविएशन वाला पॉजिटिव शो करेगा या मैक्सिमम शो करेगा या फिर मिनिमम शो करेगा। तो एक बात तो क्लियर है, आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फॉर्म एजियोट्रोपिक मिक्सचर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्स एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब नॉन आइडियल में दो कैटेगरी डिसाइड करते हैं, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मींस वी आर गेटिंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, ध्यान से सुनेंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम, वीपी कम, वीपी। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, वेपर प्रेशर कम। और वेपर प्रेशर किसमें कम होता था? जो नेगेटिव डेविएशन शो करते थे। किसमें कम होता था? जो नेगेटिव डेविएशन शो करते थे। मतलब सॉल्यूशंस शोइंग, सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ forms, solution showing negative deviation from Raoult's law forms maximum boiling azeotrop। okay, आप लोगों का आई होप समझ में आया होगा ये कैसे हमने बताया। दोबारा कोशिश करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का, आप कोशिश करेंगे कि आप लोग बताएंगे, मैं आपको टाइम देता हूं, आप सोच के बताओ। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा था? जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता था। ठीक है, तो सॉल्यूशन शोइंग, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन From Raoult's law forms minimum boiling azeotrope, forms minimum boiling azeotrope। इस तरीके से हमने डिसाइड किया कि कौन सा सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा और कौन सा सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट आता है प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो, आई विल हेल्प यू देयर। एंड प्लीज स्टडी, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू इन दिस क्रूशियल टाइम। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, टॉपिक्स को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप वहां मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, प्ले स्टोर पर आकर हमारे एजुकेशन एड जाकर आप ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपकी इंस्टेंट हेल्प करी जाएगी। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड, स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।